नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर यश वेलणकर, इंटरनेशनल माइंडफुलनेस कोच फ्रॉम रिबूस्ट वेलनेस। मैं माइंडफुलनेस सिखाता हूं और माइंडफुलनेस की थेरेपी यूज करके डिप्रेशन भी कम कैसा किया जा सकता है इसका काउंसलिंग करता हूं। आपने यूट्यूब पे ऐसे कई वीडियो देखे होंगे कि जिसमें ऐसी सलाह दी जाती है, खुद को इतना व्यस्त रखे कि मन में उदासी आने के लिए समय ही न मिले। ये जो सलाह है ये गलत सलाह है, क्योंकि आप जब खुद को व्यस्त रखते हो तो आपके कॉन्शियस माइंड को व्यस्त रखते हो, तो आप जब खुद को व्यस्त रखते हो तो आपके जागृत मन को, कॉन्शियस माइंड को व्यस्त रखते हो, लेकिन आपका अनकॉन्शियस माइंड वो कभी भी व्यस्त नहीं रहता। ये समझने के लिए हम एक उदाहरण देखेंगे कि अपना घर दो रूम का होता है और उसका जो कुछ बाहर का कमरा होता है वो मैं साफ सुथरा नीट रखता हूँ, क्योंकि जो कुछ मेहमान आते हैं वो सिर्फ बाहर के रूम में ही आते हैं। अगर मैं हमेशा बाहर के रूम में ही रहूं और जो कुछ कचरा वहाँ तैयार होता है वो अंदर ढकेलता रहूं, और अगर मैं अंदर के रूम में कभी गया ही नहीं तो जो कुछ कचरा अब अंदर के रूम में जाता है उसकी बुरी बदबू बाहर के रूम में भी आने लगती है, और ऐसी बदबू आने के बाद आप रूम फ्रेशनर अगर लगाते हो तो उस रूम फ्रेशनर का जब तक इफेक्ट है, प्रभाव है, तब तक वो बदबू नहीं आती, लेकिन रूम फ्रेशनर का इफेक्ट खत्म हो गया तो फिर से बदबू आने लगती है। अगर वो बदबू निकालनी है तो मुझे अंदर के रूम में जाना चाहिए और वहाँ जो कुछ कूड़ा कचरा है वो क्लीन करना चाहिए। ये जैसे रूम में होता है वैसे ही अपने मन में भी होता है। मन में भी एक अनकॉन्शियस माइंड, ये अंदर के रूम जैसा होता है, और जो कुछ हमें जागृत मन में जो भाव भावनाएं और विचार ये मालूम होते हैं वो हमारा बाहर का रूम है। जब मैं खुद को व्यस्त रखता हूँ और पॉजिटिव रखता हूँ तो ये बाहर के रूम, मन की बाहर के रूम मैं क्लीन रखता हूँ, नीट रखता हूँ। लेकिन अगर मैं कभी मन की अंदर के रूम में यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में गया ही नहीं तो वहाँ जो कुछ कूड़ा कचरा होता है वो अब उसका बदबू आने लगता है, और उसकी बदबू यानी कि मेरे कॉन्शियस माइंड में जो निगेटिव विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, दर्द के बारे में, भविष्य में कोई बुरी घटना होगी ऐसे विचार आते हैं, एक्सीडेंट होगा, डेथ होगा ऐसे विचार आते हैं, ये जो सारे विचार आते हैं ये एक तरह से मेरे अनकॉन्शियस माइंड में जो कुछ कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ है उसके कारण आते हैं। अब ऐसे विचार आने के बाद सिर्फ पॉजिटिव थॉट करना, भी पॉजिटिव रहना, या खुद को ऐसे विचार नहीं आने चाहिए इसलिए व्यस्त रखना, ये अंदर का कचरा क्लीन नहीं कर सकते। ये सिर्फ जो कुछ बाहर के रूम है वो ठीक रख सकते हैं। लेकिन फिर भी तो जब मैं पॉजिटिव थॉट करता हूँ उसका प्रभाव वो रूम फ्रेशनर जैसा ही रहता है। जब तक मैं पॉजिटिव थिंक करता रहता हूँ तब तक वो नेगेटिव थॉट्स आते नहीं है, लेकिन वो तो अंदर है। वो जब भी मैं मेरा थिंकिंग स्टॉप करता हूँ तो फिर से मेरे मन में वो नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, और ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स जब अधिक समय आते हैं तो उसे डिप्रेशन ऐसा कहते हैं। उदासी आना, कभी ना कभी उदासी आना ये तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि अपने ब्रेन में जो कुछ केमिकल्स है उनके कारण ही अपनी सारी फीलिंग्स होती है। और उदासी कम करने का एक केमिकल है जिसे सेरोटोनिन कहते हैं। ये सेरोटोनिन जब मेरे दिमाग में अच्छी लेवल पे रहता है तो मुझे उत्साह रहता है, और जब ये सेरोटोनिन कम होता है तब मुझे उदासी लगती है। लेकिन ये सेरोटोनिन हमेशा अच्छी लेवल में नहीं रहता। समुंदर में जैसे ज्वार भाटा आते हैं वैसे ही ये सेरोटोनिन के लेवल भी कम ज्यादा होना पूरी तरह से नैसर्गिक है। मुझे हर समय अच्छा ही लगना चाहिए, आई शुड फील ऑलवेज गुड, ऐसी
आकांक्षा रखने जैसा इरेशनल है, अविवेकी है। कभी ना कभी मेरे मन में उदासी आएगी और ये जो सेरोटोनिन है ये फिर से लाइट से जुड़ा हुआ है, तो जब मैं लाइट में रहता हूँ तब ये सेरोटोनिन अच्छा रहता है। लेकिन अगर ये सेरोटोनिन हमेशा अच्छा रह गया तो मुझे नींद भी नहीं आएगी, इसीलिए ये सेरोटोनिन कभी ना कभी कम होना ये नैसर्गिक है और कभी ना कभी उदासी आना ये भी नैसर्गिक है। सो डोंट फील बैड अबाउट फीलिंग बैड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि कभी ना कभी मन में उदासी आना ये स्वाभाविक है। लेकिन ये उदासी जब अधिक समय तक रहती है, दिन भर अगर मैं खुद को जांचता रहा कि इस समय मेरा मूड कैसा है और वो उदास है, ऐसा दिन भर रहता है, जो कोई एक्टिविटी जो मुझे आनंद देने वाली पहली होती है वो अब आनंद देने वाली नहीं रहती, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, तो वो उदासी का एक लक्षण है। सुबह जब मैं बेड से बाहर आता हूँ तो उस समय बाहर आए ऐसी भी इच्छा नहीं होती, तो कुछ करे, कहाँ बाहर जाए, किसी से मिले, ऐसी इच्छा नहीं होती, तो ये भी डिप्रेशन का लक्षण है। और ये अगर ये डिप्रेशन ऐसा होने लगता है तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से हम अनकॉन्शियस माइंड में जो कुछ स्टोर हुआ है, जो कुछ कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ है वो क्लीन कर सकते हैं। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने मन में जो कुछ भाव आते हैं, जो कुछ विचार आते हैं वो देखने के लिए कुछ समय हर दिन निकलना चाहिए। तो इसीलिए हर दिन खुद को पूरी समय तक व्यस्त रखना ये गलत है। ऐसा व्यस्त रखना यानी कि आप सिर्फ बाहर के रूम में ही रह रहे हो। जब आप खुद को व्यस्त नहीं रखते, कई भी एक्टिविटी में व्यस्त नहीं रखते या एंटरटेन में वीडियो देखते हुए या सीरियल देखते हुए जब आप रहते हैं तो बाहर के रूम में ही रहते हैं, लेकिन कुछ भी न करते हुए सिर्फ जब आप बैठते हो तो जो कुछ मन में आता है वो अनकॉन्शियस माइंड में क्या है ये दिखाने वाला होता है। इसीलिए जो मैंने बताया कि हर समय व्यस्त रखना ये गलत है, कुछ समय तो निकालना चाहिए जब हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में क्या छिपा हुआ है ये देखने के लिए कोई ना कोई समय देना चाहिए। अगर ऐसा समय नहीं दिया तो क्या प्रॉब्लम होती है, तो वैसी बहुत से मेरे पास क्लाइंट आते हैं, वैसी एक क्लाइंट है जो कॉरपोरेट लीडर है, बहुत अच्छी मैनेजर, अच्छी पोजीशन पे है और वो हाउसवाइफ भी है, तो अपने घर में भी वो बच्चों को सिखाती है, घर साफ सुथरा रखती है, लेकिन वो खुद को इतनी व्यस्त रखती है कि जैसा मैंने बताया कि अपने आप मन में क्या होता है वो देखने के लिए उसे टाइम ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम ऐसे व्यक्तियों में बहुत होने की संभावना है, क्योंकि अपना अंतर मन में ऐसा कूड़ा कचरा इकट्ठा होना ये भी नैसर्गिक है, क्योंकि अपना दिमाग निगेटिविटी की ओर झुकाव रहने वाला होता है, क्योंकि ऐसा रहने के कारण ही हमारे पूर्वजों ने अपनी जान बचाई। आप इमेजिन कर सकते हो कि बहुत साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे, उनके पास कोई शस्त्र नहीं थे, तो एक पूर्वज बहुत ही कॉन्फिडेंट, जिसका ब्रेन निगेटिव बायस नहीं है ऐसा था, और दूसरा पूर्वज ऐसा था जो जिसका ब्रेन निगेटिव बायस्ड है, जिसके मन में ऐसे निगेटिव थॉट्स आते हैं, डर आता है। तो ऐसे वो दो इंसान वहाँ जंगल में घूम रहे थे और अचानक साइड में बुश में वहाँ जो कुछ हरियाली होती है, जंगल होता है, वहाँ कुछ आवाज आई, तो अपना वो जो निगेटिव बायस ब्रेन वाला जो कुछ पूर्वज था उसके मन में डर पैदा हुआ और वो भाग गया अपनी केव में, और दूसरा जो पूर्वज था उसमें वो कुछ नहीं होता ऐसा कहकर वैसा ही रह गया, लेकिन उसे शेर खा गया, जो भाग गया वो बच गया, और जो बच गया हम सारे उसके ही संतान है। तो जो कुछ निगेटिव बायस ब्रेन वाला हमारा पूर्वज था
वो उस समय सर्वाइव कर सका इस निगेटिविटी बायस के ही कारण, क्योंकि वो हर आशंका के समय भाग जाता था, वहां नहीं रहता था, इसीलिए जानवरों से वो बच सका। और वो जो पूर्वज जिसका दिमाग निगेटिविटी के ओर झुकाव होने वाला था, वो ही जेनेटिकली अपने ब्रेन में अभी भी है, और इसीलिए हर इंसान का दिमाग निगेटिविटी की ओर झुकाव रखने वाला ही होता है। जब आप हमेशा व्यस्त रखते हो खुद को, तो ये जो निगेटिविटी के कारण जो कुछ मन में विचार पैदा होते हैं, वो आपको मालूम ही नहीं होते। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन आपका दिमाग पॉजिटिव नहीं है, आपका ब्रेन पॉजिटिव नहीं है। अपनी इमोशनल ब्रेन में बैड मेमोरीज के लिए ही जगह है, वहाँ गुड मेमोरीज के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि बैड मेमोरीज रखना सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। और इसीलिए हर एक इंसान के अनकॉन्शियस माइंड में निगेटिव थॉट्स पैदा होना ये भी नैसर्गिक है, नेचुरल है। तो हर एक व्यक्ति जैसे अपने शरीर को क्लीन करने के लिए 10-15 मिनट निकालती है, स्नान करती है, टॉयलेट जाती है, वैसे ही मन में ये जो कुछ कूड़ा कचरा तैयार होता है, जो तैयार होना नैसर्गिक है, उसे क्लीन करने के लिए भी हर रोज 5-10 मिनट तो निकालने चाहिए। और उस समय कुछ भी न करते हुए अपने आप जो कुछ हो रहा है शरीर में और मन में, उसे सिर्फ देखना चाहिए और उसका स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं किया तो ये डिप्रेशन की जो कुछ नौबत है वो बढ़ सकती है। और डिप्रेशन मन में आया तो क्या करना है, ये हम हमारे प्रोग्राम में सिखाते हैं। तो कॉरपोरेट वेलनेस प्रोग्राम में डिप्रेशन के लिए भी माइंडफुलनेस का एक्सरसाइज कैसा हो सकता है, अपने मन के ये जो कुछ भाव है उसे आप साक्षी भाव से कैसे देख सकते हैं, ये हम एक्सरसाइज लेते हैं। इसके लिए हम जो कॉरपोरेट वेलनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं वो अटेंड करें। थैंक यू।